हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबीज फैक्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक मुंबई के अंधेरी में रहने वाला लड़का इंडिया का हिप हॉप स्टार बन गया। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लड़के का नाम है विवियन फर्नांडिस, जिसे हम स्टेज नेम से जानते हैं। उनका स्टेज नेम है दी डिवाइन। तो अगर आपने डिवाइन गेस कर लिया था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म अंधेरी, महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ था। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1990 को हुआ। ये एक्टिव होने लगे रैपिंग में 2010 से। और जैसे ही इन्होंने 2011 में अपना गाना रिलीज किया, ये मेरा मुंबई, तो इनको पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई। और उसी के बाद से सोनी म्यूजिक इंडिया का इनके ऊपर ध्यान आया और उन्होंने इनको ऑफर दिए काफी सारे। इसका मतलब है कि 2011 से ही इनकी लाइफ चेंज होने स्टार्ट हो गई। और अभी ये बहुत ही सफल रैपर है। और ये रैपिंग के साथ साथ खुद अपने लिरिक्स भी लिखते हैं और अपने गानों में एक्ट भी खुद ही करते हैं। ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे सिंगर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेना चाहे तो हम ले सकते हैं जैसे सिद्धू मूसेवाला, नैजी सिकंदर कैलहन एंड न्यूक्लियर, दीप जेंडो, राजकुमारी, कृष्णा, जैस मानक, नैस 14, रफ्तार जैसे हो गए, पुष्पा टी, बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ इन्होंने काम किया है और बहुत सारी फेम इन्होंने कमा ली है। तो इन्हें 2015 में बेस्ट ईडीएम ट्रैक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था मुक्केबाज फिल्म से, और उसका सॉन्ग था पैंतरा। और वो इनकी कोलैबोरेशन थी न्यूक्लिया के साथ, जो कि 1 दिसंबर 2017 को सामने आई। एंड ही कोलैबोरेटेड विद फेमस इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर अमित त्रिवेदी जी के साथ भी इन्होंने काम किया फॉर द इरफान खान स्टार द फिल्म ब्लैकमेल ऑन द सॉन्ग बढ़िया, विच केम आउट ऑन 16 मार्च 2018 विद अ टी सीरीज। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड द साउंड ट्रैक फॉर सैक्रेड गेम्स एंड इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज। फीचर्स इज सॉन्ग जंगली शेर एज वेल एज काम 25, प्रोड्यूस्ड बाय इंडो कैनेडियन प्रोड्यूसर फेनम, विच वॉज मेड स्पेसिफिकली फॉर द सीरीज। इट्स म्यूजिक वीडियो वॉज रिलीज ऑन 14 जून 2018 ऑन बोथ डिवाइंस एंड नेटफ्लिक्स यूट्यूब चैनल विद वर्जन ऑफ नेटफ्लिक्स फीचरिंग इंग्लिश सब टाइटल्स। और फिर एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म आई जिसे हम अभी तक याद रखते हैं, गली बॉय। डिवाइन मोस्ट नोटेबली कंट्रीब्यूटेड द साउंड ट्रैक फॉर द 2019 फिल्म गली बॉय बाय जोया अख्तर, अ फिल्म विच इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ नेजी एंड हिमसेल्फ विद रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट इन द लीड रोल। डिवाइन एंड नेजी बोथ हेल्प एज कंसल्टेंट्स टू गेट एन ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिप हॉप कल्चर फॉर द फिल्म। देयर सॉन्ग मेरे गली में वॉज रीमेड विद रणवीर सिंह रैपिंग नेजी लिरिक्स एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म। फर्दर मोर डिवाइन प्रोवाइडेड एडिशनल रैप लिरिक्स फॉर रणवीर सिंह कैरेक्टर एंड कंपोज सम ऑफ द सॉन्ग्स फॉर द ओरिजिनल साउंड ट्रैक ऑफ प्रमोशनल सिंगल फीचरिंग अमेरिकन आर्टिस्ट नैज एज वेल एज नेजी। डिवाइन एंड रणवीर सिंह वॉज रिलीज ऑन जियो सावन एंड देन On September 20, 2020, Divine appeared on the international remix of Bando Diaries by UK rapper Ducavli alongside 14 from Australia, Nozi from Albania and Kekri from France. On 23 September 2020, he released his new song and video Punya Pap on the Mass Appeal in India's YouTube channel. It was announced to be the first single of his second album, which is also entitled Punya Pap. On 16 October 2020, he released Mirchi, the second single from his second album Punya Pap. The song with its prominent bale funk sound as well as received with over 8 million views on YouTube in 5 days. और 5 दिन में ही इनके 8 million views complete हो चुके थे। Then another track from the album मेरा भाई got its music video launch on 6 November 2020. The animated video portrays a story where one of Divine's childhood friend betrays him out of jealousy and end with Divine's message to the listeners to trust no one but themselves in today's world. तो एक motivational video थी वो, आप देख सकते हैं। मैं नीचे इनके सारे गानों के description में link दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ गाने हैं इनके जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, कोहिनूर, वल्ला, गांधी मनी, नैस इंटरल्यूड, वाइब है, चल बॉम्बे, रिमांड, टू हाइप, ये सारे गाने ना इनके एल्बम के हैं, जो कोहिनूर इन्होंने रिलीज की थी 2019 में और पुण्य पाप 2020 में।
ये सारे गाने ना इनके इसी एल्बम के हैं। सेकंड एल्बम थी ये इनकी पुण्य पाप, तो इसी के गाने। और जो सिंगल्स ट्रैक जो इन्होंने बनाए हैं वो सारे भी आप यहाँ देख सकते हैं, और जो प्रमोशनल ट्रैक्स थे वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, और जो एज ए इन्होंने प्लेबैक सिंगर गाए हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, और जो इनको अवार्ड्स और नॉमिनेशंस आई है आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अगर हम कॉन्क्लूजन पे आए तो मेहनत हमें बहुत कुछ दे सकती है, और उसका एक जीता जाता सबूत डिवाइन है हमारे सामने। स्टेज नेम डिवाइन, रियल नेम विवियन फर्नांडिस। वो तो हमें इस बात से यही समझना चाहिए कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, सारे काम एक जैसे होते हैं, बस हमें करने की देर होती है। तो गाइस कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी तक अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो प्लीज 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 इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाए भी। और तब तक के लिए देखते रहिए अभी इस फैक्ट।